हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेंटर रहमान अहमद चौधरी। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने वर्ल्ड वेब सीरीज को शुरू कर रखा है, तो आज की वीडियो उसी सिलसिले का एक वीडियो है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात की है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो आपके पास CSS हो, PMS हो आपके पास, या FPSC का या PPSC का कोई पेपर अगर आप जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, या जोग्राफिया जो कि हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे ये वन पेपर MCQs है उसका। तो ये वाली जो आज की वीडियो है, ये बहुत सारे आपके MCQs जो उसको कवर करेगी इंशाल्लाह। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी तो ज़रूर है, लेकिन इसमें लेकिन ये फुल ऑफ MCQs है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाली है आज की वीडियो। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी आपने आज की वीडियो लाजमी पूरी देखनी है और अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में लाजमी देना है। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो इस वीडियो में जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट स्टेट्स इन द वर्ल्ड के, दुनिया की अहम आबनाएँ, ठीक है। तो स्टेट जो है उसको हम उर्दू में कहते हैं आबनाए, और स्टेट्स को कहेंगे आबनाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास स्टेट होता क्या है। तो हमारे पास जैसे कि आपको यहाँ पे डेफिनेशन नज़र आ रही होगी कि पानी की एक पतली सी गुजरगाह जो ज़मीन को काटते हुए पानी के दो बड़े हिस्सों को आपस में मिलाए, ठीक है। तो ऐसी पतली सी गुजरगाह को हम क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे स्ट्रेट, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ये हमारे पास खुश्की का ज़मीन का टुकड़ा मौजूद है, और इसी तरह से ज़मीन का टुकड़ा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, और इसके दोनों तरफ हमारे पास क्या है, वाटर बॉडीज़ मौजूद हैं। अब ये दो वाटर बॉडीज़ जो हैं, इनको ये पानी की पतली सी गुजरगाह जो है ये आपस में मिला रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दुनिया में बहुत सारे स्ट्रेट्स मौजूद हैं, जारी बात है, जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो ये चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही है कि यहाँ पे भी आपके पास लैंड मौजूद है, और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, ये लैंड मौजूद है, और ये दोनों लैंड्स जो हैं इनको इर्द गिर्द हमारे पास क्या है, पानी मौजूद है, ठीक है। अब ये वाटर बॉडीज़ जो हैं इनको आपस में हमारे पास क्या है, ये स्ट्रेट जो है एक पानी की पतली सी गुजरगाह जो है वो क्या कर रही होगी, इन दो लैंड्स को आपस में क्या, पानी की जो वाटर बॉडीज़ हैं इनको आपस में क्या कर रही होगी, मिला रही होगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो पानी की पतली सी गुजरगाह है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम स्ट्रेट बोल देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी कि पानी की वो पतली सी गुजरगाह जो ज़मीन को काटते हुए दो बड़े पानियों को आपस में मिला दे। अब ये जो वाटर बॉडीज़ जो हैं, ये हमारे पास ओशंस हो सकते हैं, हमारे पास हो सकता है कि ये रिवर्स हों हमारे पास, ठीक है, या कोई भी हमारे पास ये वाटर बॉडीज़ हो सकती हैं। तो उम्मीद है ये स्ट्रेट का कॉन्सेप्ट जो आपको समझ आ चुका होगा अच्छी तरह से। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं इसमस, ठीक है। इसमस को उर्दू में बोला जाता है खाकनाए, इस्तमस नहीं आपने इसे बोलना है, इसे बोलना है इसमस, ठीक है। तो इसमस जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट के उलट है कि खुश्की का वो हिस्सा जिसके दोनों तरफ पानी हो और खुश्की के दो बड़े हिस्सों को आपस में मिला दे, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये आपके पास एक लैंड मौजूद है, और इसी तरह से लैंड आपके पास यहाँ पे मौजूद है, और इस लैंड के इर्द गिर्द आपके पास क्या है, यहाँ पे पानी मौजूद है, ठीक है। अब ये जो आपके पास ज़मीन के दो टुकड़े हैं, इनको कोई ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा आपस में मिला रहा है, ठीक है। तो इसको इसे हम क्या बोलेंगे, इसमस बोल देंगे, राइट। तो एक तरह से ये आप कह सकते हैं जैसे पुल हमारे पास होता है कि हमारे पास पानी है और उस पर हम गुजर सकते हैं, इसी तरह से ये एक तरह से पुल का किरदार अदा कर रहा होगा कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये वाला लैंड का पार्ट जो है वो दूसरी तरफ जो है इसमस की वजह से आपस में मिल जाएगा। अब यही चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, लैंड का मौजूद है, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, लैंड मौजूद है, और इर्द गिर्द क्या है, हमारे पास पानी है, लेकिन ये वाला जो आपके पास एक पतला सा गुजरगाह है खुश्की की, वो क्या कर रही है, इन दो बड़ी लैंड्स को आपस में मिला रही है। इस जगह को हम क्या बोलेंगे, इस जगह को हम इसमस बोलेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट और इसमस का कंसेप्ट जो आपको समझना ज़रूरी था वो मैंने आपको बता दिया है। स्ट्रेट क्या है आपके पास, कि दो बड़े पानियों को आपस में मिलाएगी ज़मीन को काटते हुए, और इसमस क्या है, दो बड़ी लैंड्स को मिलाएगी पानी को काटते हुए। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो आपने माइंड में रखने हैं जी। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बारे में। हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है ये हमारे पास पाकिस्तान के करीब तरीन स्ट्रेट है, तो इस बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है इसकी थोड़ी सी लोकेशन समझ लें कि ये हमारे पास पाकिस्तान मौजूद है, और यहाँ पर ये हमारे पास ईरान है, और ये हमारे पास क्या है,
अरेबियन पेनिनसुला जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो ये पेनिनसुला क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूँ, पेनिनसुला से मुराद है हमारे पास एक ऐसी ज़मीन जिसके तीन तरफ में पानी हो और एक तरफ उसके क्या हो, खुश्की हो। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, पानी है, और यहाँ पे भी पानी है, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या, पानी है, लेकिन एक तरफ से हमारे पास ये वाला जो है खुश्की का टुकड़ा है। तो ऐसी ज़मीन को क्या बोला जाता है, ऐसी ज़मीन को पेनिनसुला बोला जाता है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है अरेबियन पेनिनसुला। तो अरेबियन पेनिनसुला में हमारे पास क्या है, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान और यमन, इस तरह की जो कंट्रीज़ जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। तो हमारे पास हर्मज़ स्ट्रेट जो है वो आप कह सकते हैं कि अरेबियन पेनिनसुला और जो हमारे पास ईरान है इनके दरमियान जो है वो हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है। तो हमारे पास ये देख लें कि हमारे पास अरेबियन पेनिनसुला के और ईरान के दरमियान में ये वाला जो वाटर बॉडी मौजूद है इसको फ्रेंड्स कहते हैं पर्शियन गल्फ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो मौजूद है जगह इसको हम बोलते हैं गल्फ़ ऑफ ओमान, ठीक है। तो पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान के दरमियान में ये वाली जो जगह है, तंग सी जगह आपको नज़र आ रही है, इसको बोला जाता है हर्मज़ स्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये हर्मज़ स्ट्रेट जो है ये ज्वाइन करती है किसको, गल्फ़ ऑफ पर्शिया और गल्फ़ ऑफ ओमान को, मतलब गल्फ़ ऑफ पर्शिया और गल्फ़ ऑफ ओमान, इन दो पानियों को ये आपस में जोड़ती है। और इसकी लोकेशन क्या है, एक तरफ इसके ईरान मौजूद है और दूसरी तरफ क्या है, ओमान मौजूद है, ठीक है। तो इसको ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको ज़रा बड़े मैप पे ले चलता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे दोबारा से कि हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान मौजूद है, ठीक है, और ये ईरान है, और ये हमारे पास सारा क्या है, यहाँ पे ये वाला सारे का सारा हमारे पास क्या है, अरेबियन पेनिनसुला जो है वो आपके पास मौजूद है, और ये आपके पास क्या है, पर्शियन गल्फ है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, गल्फ़ ऑफ ओमान। एग्जैक्टली ये वाली जो लोकेशन है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है हर्मज़ स्ट्रेट, ठीक है। तो ये दुनिया के बहुत अहम स्ट्रेट है, तकरीबन जो ऑयल है, तेल है, चूँकि वो हमारे पास ये गल्फ़ कंट्रीज़ में निकलता है, ठीक है, तो ऑयल की तकरीबन जो 35% हमारे पास पूरी दुनिया की जो ट्रेड है वो इसी स्ट्रेट से हो रही होती है, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा बड़ा करता हूँ, ये वाली स्ट्रेट जो है ये हमारे पास क्या है, काफ़ी तंग है, नैरो है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो बेरी जहाज़ जो है उनको बड़े एहतियात से यहाँ से गुजारा जाता है। तो इस ये हमारे पास क्या है, हर्मज़ स्ट्रेट है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन उम्मीद है ये आपको समझ आ चुकी होगी और इसकी अहमियत भी आपको समझ आ चुकी होगी। तो ये पाकिस्तान है। अब अगर पाकिस्तान से पाकिस्तान ने कुवैत से बिलफर्ज या सऊदी अरेबिया से कोई ऑयल उठाना है तो क्या होगा कि यहाँ से हमारे शिप जो है वो जाएंगे गल्फ़ ऑफ ओमान और फिर ये वाली स्ट्रेट जो है वो इसको क्रॉस करते हुए फिर ये जो है जिस भी कंट्री से ऑयल उठाना होगा वहाँ से उठा के वापस आया जाएगा, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रेट जो है इसकी अहमियत जो है उसी की वजह से जो ईरान है और अमेरिका, इन दोनों के दरमियान जो है वो चपकलश पाई जाती है और आप देखते हैं कि आए दिन जो है वो इन दोनों की कोई ना कोई बयानबाजी हो रही होती है। तो उसकी एक बड़ी वजह जो है वो हर्मज़ स्ट्रेट है। क्यों? क्योंकि अगर ईरान जो है हर्मज़ स्ट्रेट को बंद कर देता है तो पूरी दुनिया का जो ऑयल ट्रेड है वो बंद हो जाएगा और इस वजह से इकॉनमी जो है वो पूरी दुनिया की अप डाउन हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है हर्मज़ स्ट्रेट, ये चीज़ जो है वो आपने माइंड में रखनी है। तो आइए चलते हैं दोबारा हम स्लाइड्स की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे मज़ीद जो है वो कुछ पॉइंट्स जो है वो आप देख लें कि हर्मज़ स्ट्रेट विच इज़ जस्ट 54 किलोमीटर वाइड एट नैरोएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास तंग तरीन जो जगह है वो क्या है, हमारे पास 54 किलोमीटर है सिर्फ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी तंग होगी। इट इज़ स्ट्रेटिजिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एज इट कंट्रोल्स द ऑयल ट्रेड फ्राम द गल्फ कंट्रीज, अबाउट 35% ऑयल ट्रेड जो है वो इसी के थ्रू जो है वो हो रहा होता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट जो आपको समझ आ चुका होगा। आपने इनकी लोकेशंस को लाजमी माइंड में रखना है, अमूमन ये MCQs में पूछ ली जाती हैं कि ये कौन से दो पानियों को आपस में मिलाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास बाबुल मंदीप, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अहम स्टेट है हमारे पास। अब ये वाली स्टेट जो है ये मैं दोबारा से आपको बड़े मैप पर ले कर चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास ये पाकिस्तान मौजूद है, ठीक है, और यहाँ पर पाकिस्तान से अगर आपने मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, अगर बिलफर्ज़ ये वाला जो आपके पास है इसे बोला जाता है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो अगर मेडिटेरेनियन सी में अगर हमने कुछ शिपमेंट भेजनी है या वापस उठानी है
तो उसके लिए बाबुल मंदीप जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि ये पाकिस्तान मौजूद है, ठीक है, और ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है पार्ट, ये वाला, इसको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, ये सींग सा एक जो बना हुआ है इसको क्या बोला जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ये वाला जो हमारे पास यहाँ पे जो आपको वाटर बॉडी नज़र आ रही है, इसको फ्रेंड्स बोलते हैं रेड सी, और यहाँ पर इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, तो गल्फ ऑफ एडन और जो आपके पास रेड सी है, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या है, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जो जगह है, इसको फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, बाबुल मंदीप स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे वाक़ है, ये हमारे पास यमन और जिबूती का जो एरिया है, जो दो कंट्रीज़ हैं यमन और जिबूती, इन दोनों के दरमियान ये वाली बाबुल मंदीप मौजूद है। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेट है, यहाँ पे जो आपके पास एरिया है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बाबुल मंदीप स्ट्रेट। अब ये स्ट्रेट बहुत ज़्यादा अहम है, जैसा कि मैं पहले ही फ्रेंड्स आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे पास, एक तो हमारे पास ये वाले जो अगर हमने कोई ट्रेड करनी है इजिप्ट के साथ या सूडान के साथ या ये इधर जॉर्डन वगैरह हमारे पास मौजूद हैं, इनके साथ अगर हमने कोई ट्रेड करनी है तो हमारे पास ये वाली स्टेट जो वो काफ़ी अहमियत की हामिल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे जो शिप्स हैं वो यहाँ से चलेंगे, ठीक है, और बाबुल मंदीप से गुजरते वो क्या होंगे, यहाँ पे सूडान या इजिप्ट या अगर हमने इस एरिया में मौजूद किसी भी कंट्री के साथ अगर हमने कोई ट्रेड करना है तो बाबुल मंदीप से हमें गुजरना होगा। ठीक है, बाबुल मंदीप की इससे भी ज़्यादा अहमियत क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर देखिएगा ज़रा कि बाबुल मंदीप से गुजरते हुए जब हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे इस जगह पे, ठीक है, तो इसके एक तरफ हमारे पास यहाँ पे इजिप्ट मौजूद है, ठीक है, और यहाँ से इजिप्ट ने एक नहर यहाँ पे निकाली है, ठीक है, जिसे स्वेज कनाल बोला जाता है या नहर स्वेज भी हमने जिसे पढ़ रखा है। ठीक है, तो क्या है कि इस नहर स्वेज को क्रॉस करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो शिपमेंट है वो कहाँ पे जा सकती है, इस सी के अंदर जा सकती है, और ये सी हमारे पास क्या है, इसको बोला जाता है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास बिलफर्ज ये वाली हमारे पास स्ट्रेट मौजूद ना हो, ये वाली बाबुल मंदीप मौजूद ना हो, तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे जो शिप्स हैं उन्हें क्या करना होगा, बहुत लंबा चक्कर जो है वो काटना होगा। ठीक है, तो ये पाकिस्तान है तो यहाँ से हमारे शिप्स चलेंगे, ठीक है, और ये अफ्रीका के नीचे से घूमते हुए क्या होगा, उन्हें फिर क्या करना होगा, यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँचना होगा। ठीक है, तो ये बहुत लंबा चक्कर पड़ेगा। अब हमारे पास क्या है, बाबुल मंदीप की वजह से क्या है कि शिप्स यहाँ से चले, बाबुल मंदीप से गुजरे, ठीक है, और इजिप्ट की जो नहर स्वेज है या स्वेज कनाल है, इसको पार करते हुए हम कहाँ पर आ गए, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में आ गए, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तुर्की के साथ, लीबिया और ये हमारे पास जितने भी यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, स्पेन वगैरह, इनके साथ हम क्या कर सकते हैं, बासानी को ट्रेड वगैरह जो है वो की जा सकती है। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि हमारे पास नहर स्वीज़ जो है वो आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये वाली जो आपके पास एक पतली सी पानी की बॉडी जो है वो आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्वेज कनाल है। ठीक है, तो पिछले कुछ अर्सा में इजिप्ट ने इस पर काफ़ी ज़्यादा काम भी किया है इस कैनाल पे, और इसको थोड़ा सा ज़्यादा खुला किया है ताकि जो शिप्स हैं वो ज़्यादा आसानी से ये वाला जो हमारे पास रेड सी है इससे गुजरते हुए मेडिटेरेनियन सी के अंदर जा सकें। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको इसका जो है अहमियत क्यों है ये चीज़ जो है वो आपको समझ आ चुकी होगी। तो आइए चलते हैं दोबारा से हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड सी और गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, रेड सी, ये रेड सी और ये गल्फ ऑफ ओमान को आपस में मिलाती है, और इसके एक तरफ क्या है, एक तरफ है हमारे पास यहाँ पे यमन, और यहाँ पे ये छोटा सा जो है आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास क्या है, जिबूती। ठीक है, अब यमन जो है वो एशिया में है और जिबूती जो है वो क्या है, अफ्रीका में। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे पास बाबुल मंदीप स्ट्रेट जो है वो अलहदा करती है किसको, एशिया और अफ्रीका को। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। नेक्स्ट आप देख लें, इट कैन बी सेड दैट द स्ट्रेट्स सेपरेट्स अरेबियन पेनिनसुला फ्राम सोमालियन सोमाली पेनिनसुला। ठीक है, पेनिनसुला का कंसेप्ट मैं आपको पहले दे चुका हूँ कि ये आपके पास क्या है, अरेबियन पेनिनसुला है। ठीक है, और दूसरी तरफ ये हमारे पास क्या है, सोमालियन पेनिनसुला जो है वो आपके पास यहाँ पे मौजूद है, सॉरी ये वाला जो है हमारे पास क्या है, सोमालियन पेनिनसुला है। ठीक है,
तो इन दोनों को ये अलहदा करती है। और ये तो हम देख ही चुके हैं कि ये रेड सी और गल्फ़ ऑफ एडन जो है उनको आपस में क्या करती है, आपस में मिलाती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे पास बाबुल मंदीप। अब हम नेक्स्ट जो है स्ट्रेट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेट जो है फ्रेंड्स वो है हमारे पास पल्क स्ट्रेट, ठीक है। तो इसको याद रखना बिल्कुल आसान है। पल्क स्ट्रेट जो है ये हमारे पास मौजूद है इंडिया और श्रीलंका के दरमियान, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास श्रीलंका है और ये इंडिया का तमिलनाडु का जो एक एरिया है वो है, और इन दोनों के दरमियान में ये वाली जो पल्क स्ट्रेट है वो मौजूद है। ये काफ़ी अहम है और अक्सर जो है वो हमारे पास पीपीएससी या इस तरह के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ ज़रा जो हमारे पास बड़ा मैप है उस पर। तो देखिएगा ज़रा यहाँ पे कि ये हमारे पास क्या है। ये हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंडिया है और यहाँ पे ये श्रीलंका। तो इनके दरमियान ये वाली जो जगह है ये हमारे पास क्या है, पल्क स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, वरना इन्हें क्या करना होगा कि श्रीलंका के ऊपर से होकर गुजरना होगा, ठीक है। तो ये वाली स्टेट की वजह से इंडिया जो है वो क्या कर सकता है, बड़ी आसानी के साथ ये वाला एरिया जो है इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी शिपमेंट वगैरह के मकसद के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो इंडियन यहाँ पे हमारे पास तमिलनाडु मौजूद है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, श्रीलंका है। तो पल्क स्टेट इसका नाम है। ये चीज़ जो है वो आपने लाजमी माइंड में रखनी है। तो उम्मीद है ये चीज़ जो है वो आपकी समझ में आ चुकी होगी। चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसकी तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में फ्रेंड्स हमारे पास है मलक्का स्टेट। अगेन ये हमारे पास बहुत बहुत अहम स्टेट है, ठीक है। इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। मलक्का स्टेट जो है ये भी हमारी बड़ी स्टेट्स में से एक है, और इसमें से आप देख सकते हैं कि नियरली 25% जो ट्रेड है वर्ल्ड वाइड वो यहीं से होके गुजरती है, ठीक है। तो ये आखिर है कहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये हमारे पास अंडमान सी और साउथ चाइना सी जो है इन दोनों को आपस में मिलाती है, और इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान में मौजूद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये सारा हमारे पास इंडोनेशिया, जो कि आप जानते हैं कि इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है, ठीक है, आबादी के लिहाज से। तो यहाँ पे ये इंडोनेशिया मौजूद है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, मलेशिया है, और उन दोनों के दरमियान में ये वाली जो स्टेट है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मलक्का स्टेट, ठीक है। तो मलक्का स्टेट जो है उसके एक तरफ हमारे पास क्या है, एक तरफ हमारे पास साउथ चाइना सी है, ठीक है, ये वाला सारा एरिया, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये अंडमान सी जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो इसको ज़रा बेहतर करके हम बड़े नक्शे पे चलते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है, अंडमान सी है, ठीक है। ये सारा हमारे पास क्या है, अंडमान सी है, और ये हमारे पास क्या है, साउथ चाइना सी है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान में से हमारे पास जो स्टेट गुजरेगी उसे हम क्या बोलते हैं, मलक्का स्टेट बोलते हैं। दोबारा से बताता चलूँ, ये बहुत अहम है और इसके बारे में अक्सर जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपने माइंड में रखनी है कि एक तरफ हमारे पास क्या है, मलेशिया, और दूसरी तरफ इंडोनेशिया मौजूद है, ठीक है। ये सारे जजीरे जो हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसके हैं, इंडोनेशिया के हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे हमारे पास मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान यहाँ पे हमारे पास क्या है, मलक्का स्ट्रेट जो है वो मौजूद है, ठीक है। मलक्का स्ट्रेट जो है ये बहुत ज़्यादा अहमियत है रखती है चाइना के लिए, ठीक है। तो चाइना जो है उसने क्या करना है, अपना माल एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो चाइना क्या करेगा, चाइना यहाँ से साउथ चाइना सी से होते हुए वो क्या करेगा, ये वाली जो मलक्का स्ट्रेट है यहाँ से गुजरेगा, ठीक है, और फिर अपने जो इसके जो शिप्स हैं इनको ये भेज सकते हैं अफ्रीका की तरफ, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान की तरफ जो है वो भेज सकता है, या यहाँ से ये आयल की ट्रेड कर सकता है, ठीक है, या यहीं से होता हुआ चाइना क्या कर सकता है, मेडिट्रेनियन सी तक भी पहुँच सकता है, ठीक है। तो ये वाली क्योंकि हमारे पास चाइना जो है वो बड़ा एक्सपोर्टर है, तो ये मलक्का स्ट्रेट जो है वो चाइना के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, इसलिए चाइना जो है इन दो कंट्रीज़ के साथ काफ़ी बना के रखता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपने माइंड में रखनी है, मलक्का स्ट्रेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो थोड़ा सा मलक्का स्ट्रेट के बारे में मज़ीद जान लेते हैं, चलते हैं दोबारा से स्लाइड्स की तरफ। तो यहाँ पर देखिएगा ज़रा कि इट प्रोवाइड्स अ शार्टर रूट फॉर शिप्स ट्रेवलिंग फ्राम इंडियन ओशन
मतलब एंडमान सी, तो एंडमान सी किसका हिस्सा है, इंडियन ओशन का हिस्सा है, ठीक है, टू साउथ चाइना सी एंड सेव थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर एंड दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट वाटर वे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वन ऑफ द बिजिएस्ट स्ट्रेट्स में से ये एक है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास मलक्का स्ट्रेट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मलक्का स्ट्रेट के साथ ही हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, सुंदा स्ट्रेट जो है वो हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट के नीचे ज़रा अगर हम आएँ तो यहाँ पे हमारे पास ये जावा सी और इस तरफ हमारे पास क्या है, इस तरफ हमारे पास इंडियन ओशन है। तो इन दोनों को मिलाती है यहाँ पे सुंदा स्ट्रेट, ठीक है। तो ये मलक्का स्ट्रेट थी और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सुंदा स्ट्रेट जो है मौजूद है। तो ये हमारे पास इंडोनेशिया का ये सुमात्रा जजीरा है, तो उसके यहाँ से ये वाली जो है सुंदा स्ट्रेट जो है वो गुजर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें कि ये किसको ज्वाइन करेगी, जावा सी को और इंडियन ओशन को, ठीक है। ये हमारे पास जावा सी, ये सारा एरिया जावा सी और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंडियन ओशन, और ये इसकी लोकेशन हमारे पास क्या है, इंडोनेशिया और उसका जजीरा सुमात्रा है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको ज़रा बड़े नक्शे पे हम फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास क्या थी, अभी हमने बात की है कि यहाँ पे हमारे पास है मलक्का स्ट्रेट, ठीक है, और मलक्का स्ट्रेट के यहाँ पे ये जो है हमारे पास क्या है, सुंदा स्ट्रेट जो है मौजूद है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप एक तरह से देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे नक्शे पे देखें तो ये बिल्कुल करीब करीब वाक़ है किसके, मलक्का स्ट्रेट के, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट फ्रेंड बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले देख लें, ये बहुत अहम बात है कि द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट इज़ वेरी शैलो, ठीक है, एंड डेप्थ इज़ नियरली 20 ओनली मेकिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेटिंग लार्ज शिप इज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो इसका ईस्टर्न पार्ट है ये बहुत कम गहरा है, ठीक है, इसकी डेप्थ ज़्यादा नहीं है, इस वजह से यहाँ से बैरी जहाज़ जो है उन्हें गुजरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, ठीक है। तो सुंदा स्ट्रेट जो है वहाँ पे हमारे पास क्या है, वहाँ पे हमारे पास ये बहुत शैलो है, मतलब बहुत कम गहरी है। कितनी कम गहरी है, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ये सिर्फ 20 मीटर के करीब जो है इसकी गहराई है, इस वजह से यहाँ से बैरी जहाज जो नहीं गुजर सकते। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ फ्रेंड्स बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रेट के बारे में, जो क्या है हमारे पास, बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि तीन चार स्ट्रेट्स जो हैं वो अभी हम देखेंगे कि ये सारी मेडिटेरेनियन जो हमारे पास सी है उसके आसपास जो है वो पाई जा रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उनमें से हम बात करेंगे बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है फ्रेंड्स वो हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा है टर्की, ठीक है, टर्की और यहाँ पर हमारे पास बुल्गारिया और इन के इस तरफ जो है इन दोनों ममालिक के यहाँ पर आपको ब्लैक सी जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ब्लैक सी है यहाँ पे और फिर यहाँ पे एक छोटा सा सी और आपको नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं सी ऑफ मरमरा, ठीक है। और अगेन आपको एक और सी नज़र आएगा जिसको बोलते हैं एजियन सी, ठीक है। तो हमारे पास ब्लैक सी जो है इसे जब हमने आना है सी ऑफ मरमरा में, तो यहाँ पे ये इस्तांबुल जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, तो यहाँ पे ये इस्तांबुल सिटी जो है वो हमारे पास है टर्की की सिटी। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट है जो हमें क्या करेगी, ब्लैक सी जो है उसे ले आएगी सी ऑफ मरमरा के अंदर, ठीक है। और सी ऑफ मरमरा में जब हम पहुँच जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास एक और स्ट्रेट होगी जो हमें ले आएगी, जिसे हम बोलते हैं एजियन सी, ठीक है। तो ये वाली जो है इसको हम बोलेंगे डार्डनेल्स सी स्ट्रेट, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं ज़रा बॉस्फोरस स्ट्रेट के बारे में। बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो हमें क्या करती है, बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो हमें ले आती है ब्लैक सी से कहाँ पे, सी ऑफ मरमरा के अंदर। तो ज़रा हम चलते हैं बड़े नक्शे के ऊपर, ठीक है। तो मैं इसको, ये हमारे पास हम बड़े मैप पे आ गए हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि लोकेशन ज़रा समझ लें कि ये हमारे पास क्या है, ये सारा हमारे पास है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है ब्लैक सी, तो ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी में आने के लिए हमें क्या करना होगा, दो मज़ीद यहाँ पे सी हैं उन्हें क्रॉस करना होगा, ठीक है। तो एक तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जिसको बोलते हैं सी ऑफ मरमरा और दूसरा ये वाला सी मौजूद है हमारे पास, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वाला जो सी है इसको हमने नाम दे रखा है एजियन सी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास देख लें
कि हमारे पास क्या है, ब्लैक सी से जब हमने आना है यहाँ पे सी ऑफ मरमरा के अंदर, तो हमें इस्तंबुल जो सिटी है टर्की की, तो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट मौजूद है जिसको बोलते हैं बास्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। तो मैं मैप को ज़रा बड़ा करता हूँ ताकि ये स्ट्रेट जो है वो आपको नज़र आ सके। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, ये है हमारे पास ब्लैक सी और ये हमारे पास क्या है सी ऑफ मरमरा, और यहाँ पे आपको ये वाली जो एक स्ट्रेट नज़र आ रही है बहुत नैरो स्ट्रेट है ये वाली, इनफैक्ट ये वर्ल्ड की नैरोएस्ट स्ट्रेट है, ठीक है। और जहाँ पे ये सबसे नैरो है वहाँ पे हमारे पास इसकी जो विड्थ है वो सिर्फ 800 मीटर है, तो ये इतनी ज़्यादा नैरो है, ठीक है। तो अगर एमसीक्यू पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे नैरो स्ट्रेट कौन सी है, तो आपने क्या कहना है, बास्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। तो बास्फोरस स्ट्रेट क्या करती है, आपको ले आती है कहाँ से, आपको ले आती है ब्लैक सी से, कौन से सी के अंदर, एजियन सी के अंदर, राइट। और ये कहाँ पे वाकई है, ये इस्तंबुल जो सिटी है टर्की की उसके अंदर जो है मौजूद है, और ये दुनिया की सबसे नैरो स्ट्रेट है, ठीक है। और जब हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं एजियन स्ट्रेट के अंदर, ठीक है, तो एजियन स्ट्रेट से फिर हम क्या करते हैं, सॉरी ये वाला जो है सी ऑफ मरमरा में जब हम पहुँच जाते हैं, तो फिर हमने क्या करना होता है, एजियन सी में आना होता है, ठीक है। तो एजियन सी में आने के लिए, सी ऑफ मरमरा से आने के लिए सी एजियन सी में, यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रेट मौजूद है फ्रेंड्स, उसे बोला जाता है डार्डनेल्स स्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी स्ट्रेट थी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास थी बास्फोरस स्ट्रेट, और यहाँ पे हमारे पास है डार्डनेल्स स्ट्रेट। तो ये चीज़ जो है वो आपने माइंड में रखनी है। तो आइए चलते हैं दोबारा से स्लाइड्स की तरफ, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ें जो है वो दोनों लोकेशंस आपके माइंड में आ चुकी होंगी। तो स्लाइड्स की तरफ चलते हैं हम दोबारा से। तो यहाँ पे देख लें कि बास्फोरस स्ट्रेट जो है ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को आपस में मिलाएगी। लोकेशन है इसकी टर्की। इट इज़ आल्सो द वर्ल्ड्स नैरोएस्ट नेविगेबल स्ट्रेट। नेविगेबल का मतलब है कि इसमें जहाज जो है वो आ जा सकते हैं। इट इज़ 31 किलोमीटर लॉन्ग, तो इसकी लंबाई है 31 किलोमीटर एंड एवरेज 3.3 किलोमीटर वाइड, ठीक है। एट द नैरोएस्ट पॉइंट द विड्थ इज 800 मीटर। तो जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा तंग है, तो वहाँ पे इसकी विड्थ कितनी है, सिर्फ 800 मीटर है, जिसकी वजह से ये क्या है, नैरोएस्ट स्ट्रेट है वर्ल्ड में। इट इज़ आल्सो नाउन एज द इस्तंबुल स्ट्रेट एंड लाइज कम्प्लीटली इनसाइड द टर्कश टेरिटरी। और इस ये सारी की सारी कहाँ पे है, तुर्की के पास है, ठीक है। अब अगली जो है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, डार्डनेल्स स्ट्रेट है, और ये आपको क्या करती है, सी ऑफ मरमरा से आपको कहाँ पे ले आती है, एजियन सी के अंदर, ठीक है। और ये भी कहाँ पे मौजूद है, हमारे पास टर्की के अंदर मौजूद है, राइट। तो उम्मीद है ये दोनों जो है वो आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जिब्राल्टर स्ट्रेट, ठीक है। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है फ्रेंड्स, ये हमारे पास है मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन जो है, ये इन दोनों को आपस में मिलाती है, और इसके एक तरफ है स्पेन और दूसरी तरफ है मोरक्को, ठीक है। और स्पेन जो है वो यूरोप में, और मोरक्को जो है वो हमारे पास क्या है, अफ्रीका के अंदर है। तो ज़रा मैं इसको बड़े मैप पे आपको लेके चलता हूँ ताकि ये चीज़ आपकी समझ में आ सके। अब देखें दोबारा से, यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास थी कौन सी स्ट्रेट थी फ्रेंड्स, यहाँ पे बास्फोरस, फिर हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रेट थी उसे हमने कहा था डार्डनेल्स स्ट्रेट, ठीक है। डार्डनेल्स स्ट्रेट जो है, जैसे ही हमने उसको क्रॉस किया तो हम कहाँ पे आ गए, मेडिटेरेनियन सी में आ गए, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी है ये सारा। अब ये जो मेडिटेरेनियन सी है, इससे जब हमने ये वाला जो सी है इसके साथ जो हमारे पास इनफैक्ट ओशन आ जाता है ये वाला, ठीक है, अटलांटिक ओशन के अंदर जब हमने आना है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्पेन, ये एक तरफ मोरक्को और दूसरी तरफ स्पेन, तो इन दोनों के दरमियान ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रेट मौजूद है फ्रेंड्स, उसको क्या बोलते हैं, जिब्राल्टर स्ट्रेट, ठीक है। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है वो हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए, तो ये मौजूद है स्पेन और मोरक्को के दरमियान, और ये दो अलग करती है किसको, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को और यूरोप कॉन्टिनेंट को। तो ये चीज़ें जो है आपने माइंड में रखनी है, और यहाँ पे ये वाली स्ट्रेट जो है वो हमारे पास मौजूद है। अच्छा, इसको जिब्राल्टर स्ट्रेट क्यों कहा जाता है, ये थोड़े से हिस्ट्री भी देख लें। ये जो हमारे पास स्पेन है, यहाँ पे हमारे पास स्पेन जो है, इसमें ये जिब्राल्टर का मुकाम है, ठीक है। तो जिब्राल्टर जो है वो हमारे लिए सुना हुआ है, ठीक है। तो तारक बिन ज़ियाद जो थे वो अफ्रीका से जब गए थे और स्पेन, तो उन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है, जिब्राल्टर के नाम से, तो उसको उन्होंने वहाँ पे जाके अपनी कश्तियाँ जलाई थी। ये आपको नज़र आ रहा है रॉक ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत अहम है, मतलब मुसलमानों के लिए तो ख़ास तौर पर
जैसा कि हिस्ट्री में ये बुक्स में हम अपने में पढ़ते रहे, तो इस रॉक की वजह से इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है जिब्राल्टर स्ट्रेट। ठीक है, तो ये रॉक आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये है हमारे पास जिब्राल्टर रॉक, और इस रॉक की वजह से इस स्ट्रेट को क्या बोला जाता है, जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट क्या करती है, जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है वो आपको ले जाती है मेडिटेरेनियन सी से कहाँ पे, अटलांटिक ओशन के अंदर, राइट। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्लाइड्स की तरफ दोबारा से चलते हैं। तो यहाँ पे देख लें कि दिस स्ट्रेट वाज कॉल्ड एज पिलर ऑफ हेरकुलस बाय एंशियंट ग्रीक्स। तो इसको क्या बोला जाता था, पिलर्स ऑफ हेरकुलस भी इसको बोला जाता था। दिस स्ट्रेट इज़ अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, तो ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी जो है इसको कंट्रोल करती है। ठीक है, द नैरोएस्ट विड्थ ऑफ दिस स्ट्रेट इज़ जस्ट 14.3 किलोमीटर। This is strategic location as most of the international cargo ships containers passes from this strait. तो ये वाली strait जो है ये चूँकि Atlantic Ocean और Mediterranean Sea को आपस में मिलाती है, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ठीक है, next strait है हमारे पास Dover Strait। तो Dover Strait जो है friends ये हमारे पास है, एक तरफ हमारे पास UK मौजूद है और दूसरी तरफ हमारे पास है फ्रांस। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है ये पाई जाती है। तो ये मिलाती है नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को। तो इंग्लिश चैनल जो है वो खासा मशहूर यहाँ पे हमारे पास वाटर बॉडी है। तो आइए चलते हैं ज़रा इसको देख लेते हैं हम अपने बड़े मैप के अंदर जाके। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा ये हम मौजूद थे यहाँ पर जिब्राल्टर के पास स्ट्रेट के पास। ठीक है, तो यहाँ से जब हम ऊपर जाते हैं यहाँ पे, तो ये आपको नज़र आ रहा है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, फ्रांस है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, यूनाइटेड किंगडम है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रांस है। इस तरफ है हमारे पास नॉर्थ सी, और फ्रेंड्स इस तरफ जो है वो हमारे पास है इंग्लिश चैनल। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान ये वाली लोकेशन जो है फ्रेंड्स, इसको क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं डोवर स्ट्रेट। ठीक है, तो डोवर स्ट्रेट काफ़ी मशहूर स्ट्रेट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख लें कि ये आपको लंदन नज़र आ रहा है और यहाँ पे पेरिस। तो इन दोनों के दरमियान ये वाली स्ट्रेट जो है, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, लंदन के इस पॉइंट पे खड़े हैं और दिन अगर ठीक है तो आप पेरिस को देख सकते हैं। मतलब ये स्ट्रेट जो है इसके एक तरफ अगर इंसान खड़ा है तो स्ट्रेट के दूसरी तरफ आसानी से देख सकता है, और बहुत सारे लोग जो हैं तैरकर इस पॉइंट को पार करते हैं। ठीक है, इस इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास डोवर स्ट्रेट। ठीक है, तो ये हमारे पास डोवर स्ट्रेट है, एक तरफ फ्रांस है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, यूके का एरिया जो है मौजूद है। तो चलते हैं, तो देख लें यहाँ पर, इट इज़ 33 किलोमीटर वाइड एंड वन कैन सी द अपोजिट एंड विद नेक्ड आई। Most of the swimmers who cross English Channel use this strait for the swimming. तो swimming करते हुए लोग क्या करते हैं, France से जा सकते हैं England की तरफ, तो ये वाला जो point है Strait of Dover इसको use करते हुए। ठीक है, next है friends हमारे पास Cook Strait। तो Cook Strait जो है वो है friends हमारे पास North, जो हमारे पास New Zealand है, तो इसका एक है हमारे पास North Island है और दूसरा South Island। तो इन दोनों के दरमियान जो है फ्रेंड्स हमारे पास है कुक स्ट्रेट। तो ये भी काफ़ी बार आ जाते हैं एमसीक्यूज़ में, तो इसको आपने जो है वो माइंड में रखना है। ठीक है, और ये साउथ पैसिफिक ओशन में है। आइए देख लेते हैं एक बार ज़रा इसको, हमारा जो मैप है उसके अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे ज़रा फ्रेंड्स, ये है पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से हम ज़रा नीचे आएँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, न्यूज़ीलैंड है। ठीक है, तो ये नॉर्थ न्यूज़ीलैंड, और ये उसका नॉर्थ पार्ट है, और ये हमारे पास क्या है, साउथ है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान ये वाली जो स्ट्रेट है इसको क्या बोला जाता है, कुक स्ट्रेट बोला जाता है। ठीक है, तो कुक स्ट्रेट जो है ये काफ़ी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल रहता है यहाँ पे पानी। ठीक है, तो ये इस हवाले से काफ़ी मशहूर है कि यहाँ पर मतलब पानी सुकून से नहीं चलता, बल्कि काफ़ी ज़्यादा इसमें आप कह सकते हैं कि मदोजर जो है वो रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुक स्ट्रेट मौजूद है। तो ये चीज़ जो है आपने माइंड में रखनी है। तो देख लें यहाँ पे कि दिस स्ट्रेट इज़ नेम्ड आफ्टर जेम्स कुक, द फर्स्ट यूरोपियन कमांडर टू सेल थ्रू इट इन 1776।
1770 ठीक है, तो 1770 में जेम्स कुक जो थे उन्होंने इसको दरियाफ्त किया था। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये स्ट्रेट मौजूद है, एक तरफ है विलिंगटन जो कि कैपिटल है न्यूजीलैंड का, ठीक है, और दूसरी तरफ इसका मशहूर शहर है पिक्टन। तो इन दोनों के दरमियान में क्या है, कुक स्ट्रेट जो आपको नज़र आ रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारे पास कोरिया स्ट्रेट। तो कोरिया स्ट्रेट जो है ये, इसको शुशिमा स्ट्रेट भी बोला जाता है, ठीक है, और ये जापान और साउथ कोरिया, ठीक है, उन दोनों के दरमियान है। ये आप देख सकते हैं ये जापान के हमारे पास आइलैंड है और ये हमारे पास साउथ कोरिया, और इन दोनों के दरमियान हमारे पास कोरिया स्ट्रेट या शुशिमा स्ट्रेट जो है वो मौजूद है। तो एक बार इसको मैप पे जाके देख लेते हैं। तो देखिएगा ज़रा, अगर मैं हम यहाँ पे आएँ, ये है फ्रेंड्स हमारे पास चाइना, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, उसके साथ है साउथ कोरिया, और यहाँ पे है हमारे पास जापान, ठीक है, ये जापान है, ये हमारे पास साउथ कोरिया। इन दोनों के दरमियान ये वाला गुजरगाह जो है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है शुशिमा स्ट्रेट, ठीक है, या कोरियन स्ट्रेट भी इसको बोल दिया जाता है। तो ये चीज़ जो है वो आपने माइंड में रखनी है। ये भी काफ़ी अहम है क्योंकि इसको भी चाइना जो है वो इस्तेमाल कर रहा होता है और ये वाली कंट्रीज जो है इस्तेमाल करती हैं अपनी ट्रेड के लिए। तो चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास डेविस स्ट्रेट और हुडसन स्ट्रेट। तो ये दो स्ट्रेट्स हमारे पास मौजूद हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने मैप की तरफ ताकि वहाँ पे मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकूं। तो अब देखिएगा ज़रा, दोबारा से हम दुनिया के दूसरी साइड पर चले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये है फ्रेंड्स आपके पास नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल नॉर्थ में जो है हमारे पास कैनेडा मौजूद है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ग्रीनलैंड मौजूद है। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का हिस्सा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा जो है ये हमारे पास ग्रीनलैंड है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, कनाडा, और इन दरमियान इनके दरमियान ये वाला जो आपको पानी नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं बुफन बे और बेफिन बे, और ये वाला जो है इसको बोलते हैं लेब्राडोर सी, और ये वाला जो आपके पास पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये वाली स्ट्रेट मौजूद है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपने माइंड में रखनी है। तो यहाँ पे ये वाली स्ट्रेट जो है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और डेविस स्ट्रेट, ठीक है, ये वाली डेविस स्ट्रेट जो है वो यहाँ पे मौजूद है, और दूसरा यहीं पे हमारे पास स्ट्रेट मौजूद है लेब्राडोर सी, और यहाँ पे कनाडा का जो हुडसन बे है, इन दोनों को ये वाला जो गुजरगाह आपस में मिलाती है इसको बोलते हैं हुडसन स्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ग्रीनलैंड और कनाडा के दरमियान ये वाली जो है डेविस स्ट्रेट, और हुडसन बे से जो हमें ले जाती है लेब्राडोर सी के अंदर, उसको फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हुडसन स्ट्रेट। तो ये दोनों स्ट्रेट्स जो हैं वो यहीं पे पाई जाती हैं, ये चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास डेनमार्क स्ट्रेट। अच्छा, डेनमार्क स्ट्रेट देख लें, ये भी बिल्कुल पास ही है। अब देखें यहाँ पर, ये हमारे पास डेविस स्ट्रेट थी, यहाँ पे हुडसन स्ट्रेट है हमारे पास, ठीक है, और दूसरी तरफ ये वाला ग्रीनलैंड के यहाँ पे हमें जो स्ट्रेट नज़र आ रही है वो क्या है हमारे पास, डेनमार्क स्ट्रेट जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें कि ये वाली जो स्ट्रेट है ये हमें क्या, इसे क्या नाम दिया गया है, डेनमार्क स्ट्रेट। तो ये चीज़ जो है वो आपने माइंड में रखनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड की तरफ। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोरिडा स्ट्रेट, ठीक है, ये भी काफ़ी अहम स्टेट है। अब देखें ये हमारे पास है नॉर्थ अमेरिका और नीचे है हमारे पास साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे ये मेक्सिको आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, गल्फ़ ऑफ मेक्सिको मौजूद है, ये गल्फ़ ऑफ मेक्सिको, यहाँ पे क्यूबा है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो गल्फ़ ऑफ मेक्सिको और नॉर्थ अटलांटिक ओशन के दरमियान ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, फ्लोरिडा स्टेट है, ठीक है। तो ज़रा इसको देख लेते हैं जाके एक बार मैप के ऊपर भी, ताकि आपके कंसेप्ट जो क्लियर हो सकें। अब यहाँ पे देखें, ये है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, और ये हमारे पास क्या है, गल्फ़ ऑफ मेक्सिको, ठीक है, ये क्यूबा है, ठीक है, और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो गल्फ़ ऑफ मेक्सिको से जब हमने यहाँ पे आना है तो ये वाला जो पॉइंट है ये फ्रेंड्स हमारे पास क्या है, ये वाली स्टेट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस स्टेट को क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है फ्लोरिडा स्टेट। तो क्यों नाम दिया जाता है फ्लोरिडा स्टेट, तो ये भी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्लोरिडा जो है वो सिटी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला।
तो इस वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है, इस वजह से इसको नाम दिया जाता है फ्लोरिडा स्ट्रेट। तो उम्मीद है ये चीज़ आपके समझ में आ चुकी होगी। चलते हैं स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट जो स्टेट है वो बहुत इंटरेस्टिंग और अहम स्टेट है। तो ये स्टेट जो है वो पाई जाती है रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान, ठीक है, बेरिंग स्टेट। और इसमें से बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ मैप की तरफ ताकि वहीं पे हम बात कर सकें कि ये स्टेट हमारे पास क्यों अहम है। अब देखें, अब एक तरफ है हमारे पास रशिया और दूसरी तरफ है हमारे पास क्या कहते हैं अमेरिका, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, एशिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एशिया, और ये हमारे पास क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। तो अब इन दोनों के और ये हमारे पास क्या है, असल में रशिया का इलाका है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कनाडा का इलाका है जिसको बोला जाता है अलास्का, ठीक है। ये अलास्का है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास फ्रेंड्स मौजूद है रशिया। इन दोनों के दरमियान ये वाली जो स्टेट यहाँ पे आपको नज़र आ रही है इसको क्या बोलते हैं, बेरिंग स्टेट बोलते हैं। लेकिन इसकी एक देखने की अहम वजह है वो ये कि ये जो आपको एक लकीर नज़र आ रही है, ठीक है, ये वाली जो आपको एक लकीर नज़र आ रही है जो टेढ़ी मेढ़ी सी एक, ये है हमारे पास इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा MCQs ये पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि डेट लाइन के जिसमें से डेट लाइन गुजरती है, इंटरनेशनल डेट लाइन जिसमें से गुजरती है। तो फ्रेंड्स वो हमारे पास स्टेट कौन सी है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे मौजूद है बेरिंग स्टेट। तो बेरिंग स्टेट के एक तरफ हमारे पास क्या मौजूद है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन हमारे पास मौजूद है जबकि दूसरी तरफ आर्कटिक ओशन जो है वो हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अब MCQs किस तरह से बनते हैं ये देख लें। मैं ज़रा आपको स्लाइड्स की तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ पे मज़ीद जो है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखें कि एक तरफ है हमारे पास रशिया, एक तरफ है यूनाइटेड स्टेट, सॉरी मैं इसे कनाडा कह गया था, ये अलास्का है, यूनाइटेड स्टेट का इलाका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो यहाँ पे सी नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं चुक सी, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है हमारे पास क्या है, बेरिंग सी है। तो अगर आ जाए MCQ इस तरह से आ जाए कि बेरिंग सी और चुक्सी सी, अगर इनमें से कोई ऑप्शन आता है तो आपने इनमें से चूज़ करना है कि बेरिंग स्टेट किसको अलहदा करती है, किसको मिलाती है, बेरिंग सी को और चुक्सी सी को। और अगर आ जाए यहाँ पे हमारे के इसके इलाके कौन से हैं, तो अलास्का भी आप कह सकते हैं और रशिया भी कह सकते हैं। और अगर आ जाए कि ये किसको अलहदा करती है, अमेरिका को भी और एशिया को भी, तो इनमें से कोई ऑप्शन आ जाए तो आपने ये सारी चीज़ें जो हैं फिर माइंड में रखनी है। और इसके अलावा इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो चुक्सी सी और बेरिंग सी को भी मिलाती है, आर्कटिक ओशन को भी, और नीचे नॉर्थ जो अटलांटिक सी है उनको भी मिलाती है, ठीक है। और किसको अलहदा करती है, यूनाइटेड स्टेट को और रशिया को, या आप कह लेंगे कि नॉर्थ अमेरिका को और एशिया को, ठीक है। तो ये थी हमारी बेरिंग स्टेट। तो नेक्स्ट जो है स्लाइड ज़रा उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये देख लें कि लॉन्गेस्ट स्टेट हमारे पास कौन सी है, मलक्का स्टेट, ठीक है। वाइडेस्ट स्टेट फ्रेंड्स हमारे पास है डेनमार्क स्टेट, जिसके बारे में हमने बात की थी, ग्रीनलैंड के पास है, ग्रीनलैंड जो जजीरा है वहाँ पे है। नैरोएस्ट जैसा कि हमने बात की थी बास्फोरस, और शेलोएस्ट हमने कहा था सुंदा स्टेट है। तो ये चीज़ें जो है ये आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो जी फ्रेंड्स, तो ये आपके पास एक वर्ल्ड मैप मौजूद है और आप यहाँ से अपनी जो स्टेट्स हैं उनको रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाजमी इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।